सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराए जाने की 25वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले यानी आज से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्वामित्व विवाद पर अंतिम सुनवाई शुरू होने वाली है। 3 सदस्यीय विशेष पीठ 4 दीवानी मुकदमों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 13 अपीलों की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ के इस विवादित स्थल को इस विवाद के तीनों पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और भगवान राम लला के बीच बांटने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड ने इस विवाद के समाधान की पेशकश करते हुए कोर्ट से कहा था कि अयोध्या में विवादित स्थल से उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त को हुई इस मामले की पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि 10 हफ्तों के अंदर हाईकोर्ट में मालिकाना हक संबंधी विवाद में दर्ज साक्ष्यों का अनुवाद पूरा किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया था कि वो इस मामले को दीवानी अपीलों से इतर कोई अन्य शक्ल लेने की अनुमति नहीं देगा और हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ही अपनाएगा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।